चूरू सदर थाना पुलिस ने तीन युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी आमिर स्वामी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नाकाबंदी के दौरान एक कार से तीन युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। लोग हैं जो हथियारों के बल पर आने जाने वाले साधनों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लूटपाट कर सकते हैं। इस सूचना पर थाने से श्री सकलनाथ जी एसआई और उनकी टीम गई तो वो गाड़ी के अंदर पुलिस की जो बत्ती लगी गाड़ी को देख करके अपनी कार में बैठे और भागने लगे। इतने उनको काबू कर लिया गया। जो चार युवकों को काबू किया गया जिनमें से एक मोहम्मद आसिफ, दूसरा एजाज खान, तीसरा मोहसिन खान और चौथा तारिक हुसैन, चार युवक थे। जो चारों ही नूह जिला है मेवाड़ का, थाना नूह जिला मेवाड़, पुलिस थाना नूह है, उस इलाके के रहने वाले हैं। इनका क्राइम रिकॉर्ड पता किया जा रहा है कि किस किस घटनाओं में लिप्त थे।